तो हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल SMII पे। आइए इस वीडियो में फिर बात कर लेते हैं GKP प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड के स्टॉक की। और दोस्तों, आज आप देख सकते हो आज इस स्टॉक में जो है 10% का लोअर सर्किट लगा है और कल इसमें 20% का लोअर सर्किट था, परसों भी 20% का लोअर सर्किट था, लेकिन आज इसकी जो सर्किट की लिमिट है चेंज हो गई है। दोस्तों, ये कुछ गाइडलाइंस होती हैं सेबी की, उसके अकॉर्डिंगली ही जो अपर एंड लोअर सर्किट है वो डिसाइड किए जाते हैं। और इसमें आज 10% का जो लोअर सर्किट है वो लगता दिख गया है और अब इसके जो स्टॉक की प्राइस है 176.75 की है। तो आइए इसके टेक्निकल्स थोड़ा और डिटेल में स्टडी कर लेते हैं और इस वीडियो में हम और डाटा आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि इस स्टॉक को हम कंटिन्यूसली कवर करते आ रहे हैं लास्ट 2-3 डे से, क्योंकि जो हमारे लिसनर्स हैं वो भी इस वीडियो में जो है बहुत ही इंटरेस्ट लेते हैं, इस स्टॉक में बहुत ही इंटरेस्ट लेते हैं। तो आइए इसकी लेटेस्ट पोजीशन चेक कर लेते हैं, एंड तक ज़रूर आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें। सबसे पहले, यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हो, पहले इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें, इससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहेगा। आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक भी करें और इस वीडियो को आप अपने फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, हम अपनी हर वीडियो में यही आपको बताते हैं, जो पैरी स्टॉक्स होते हैं, जो स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर्स होते हैं, बहुत ही रिस्की होते हैं। इन स्टॉक्स में आपको आंख बंद करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि कई बार ऑपरेटर्स भी गेम को कंट्रोल करते हैं। तो आइए इस स्टॉक का एनालिसिस कर लेते हैं। लास्ट 1 ईयर का डाटा देखें तो अभी भी बहुत ही शानदार ट्रेंड इस स्टॉक में देखने को मिलेंगे। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको शॉर्ट टर्म की वॉलेटिलिटी से, प्रॉफिट बुकिंग से इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, उनको बहुत ही बड़ा लॉस यहाँ पे देखने को मिल सकता है। वो इस स्टॉक में फंसे हैं, तो क्योंकि यदि उन्होंने हाई पे इसको ख़रीदा है तो वो अब इस स्टॉक में लॉस पे बैठे हुए हैं। तो लास्ट 1 ईयर का ओवरऑल पैटर्न बहुत ही शानदार है, बहुत ही बढ़िया है। अब इस स्टॉक की जो प्राइस है ना, वो 176.75 के अराउंड है। तो हमने कल भी बताया था ये जो स्टॉक है ये 150 से लेके और 160 के बीच में बहुत ही बढ़िया सपोर्ट शो कर रहा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक इसी रेंज से ही कंसोलिडेट करके फिर उसके बाद इस स्टॉक में लीनियर ग्रोथ देखने को मिली थी। अब आने वाले टाइम में 2-3 दिन में देखना होगा कि ये जो स्टॉक है इस लेवल को मेंटेन कर पाता है या नहीं है। यदि इस स्टॉक ने इन लेवल्स के बीच में कोई भी ट्रेंड रिवर्सल शो किया, सपोर्ट ली, तो ये एक अच्छी इंडिकेशन होगी, क्योंकि यही लेवल बहुत ही अच्छा इसका सपोर्ट है, क्योंकि इसके नीचे आप देखोगे 100 के अराउंड ही इसका जो सपोर्ट बन रहा है। स्मॉल कैप कंपनीज है, कुछ भी हो सकता है, इसकी प्राइस ऊपर नीचे जा सकती है, वेरी कर सकती है। तो अब इसका जो पहला सपोर्ट है 150 से लेके 60 के बीच में वो बन रहा है। तो नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो कल भी हमने आपको बताया था, वो 100 के आसपास ही जाके बनेगा। तो अब आने वाले टाइम में 2-3 दिन में आपको ज़रूर इस स्टॉक पे फोकस करके रखना होगा। तो आज भी इसकी मार्केट डेप्थ चेक कर लेते हैं, तो आज भी कोई भी बायर इस स्टॉक में देखने को नहीं मिल रहा है, ओनली सेलर्स आर देयर। यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें जो क्वांटिटी है सेल की कितनी बड़ी निकल कर आ रही है, 22 लाख से भी ज़्यादा इसकी जो क्वांटिटी है वो सेलिंग में आ रही है, बायर की क्वांटिटी कोई भी नहीं दिख रही है ऑन द 24th अगस्त। तो कोई भी सेलर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है ये जो कोई भी बायर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है ये जो स्टॉक है लोअर सर्किट में फंसा हुआ है। डिलीवरी की पोजीशन देखें तो यहाँ पे जरूर 100% की डिलीवरी आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि अब ये लग रहा है लोग इसको अकमुलेट करना चाह रहे हैं, लोअर लेवल पे इसको एवरेज करना चाह रहे हैं। तो अकमुलेशन जरूर 100% दिख रही है। आप देख सकते हो 24th अगस्त 2:24 PM पे इसकी जो क्वांटिटी ट्रेडेड है 4796 की है और इतनी ही डिलीवरी इस स्टॉक में उठाई गई है। कल भी हमने आपको बताया था इसमें 60% से 66% तक डिलीवरी थी, परसों भी 60% के अराउंड डिलीवरी थी, लेकिन आज इस स्टॉक में 100% अकमुलेशन 100% डिलीवरी देखने को मिल रही है। ये जरूर एक अच्छी इंडिकेशन है, मीन्स जितनी क्वांटिटी सेलर हो रही है उतनी साथ में साथ बाई भी हो रही है इस टाइम पे।
आगे बात करते हैं आज इसकी लोअर सर्किट की पोजीशन। आप देख सकते हो इसका जो लोअर सर्किट लिमिट है 176.75 का है और ये जो स्टॉक है लोअर सर्किट में फंसा हुआ है और इसका मार्केट कैप अब 259 करोड़ का बन रहा है। वॉल्यूम देखें तो 4810 का इसका वॉल्यूम देखने को मिला हुआ है। आगे बढ़ते हैं, इसका कुछ और डिटेल चेक कर लेते हैं। इसका बीटा 0.34 का बन रहा है तो बहुत ही छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है। आइए इसकी परफॉर्मेंस डिफरेंट पीएस के साथ कंपेयर कर लेते हैं। इसकी जो मार्केट प्राइस है 176.75 की है, आज इसमें 10% का लोअर सर्किट है। जो इसका मार्केट कैप हमने आपको बता दिया है, प्राइस टू बुक रेशियो हम यदि कंपेयर करें डिफरेंट पीएस के साथ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि अभी हमारे पास इसकी पीई रेशियो अवेलेबल नहीं है, हम प्राइस टू बुक रेशियो के साथ ही कंपेयर करेंगे। तो प्राइस टू बुक रेशियो अभी भी इसकी बहुत ही हाई है, 12 के अराउंड इसकी प्राइस टू बुक रेशियो चल रही है। इसके जो क्लोज पीयर्स हैं, AGI ग्रीन है, उसकी 1.37 है, TCPL पैकेजिंग है 3.52 की है, श्री अजीत बल्ब है, उसकी जो प्राइस टू बुक रेशियो 0.83 की है। तो उनके कंपैरेटिवली अभी इसकी जो प्राइस टू बुक रेशियो चल रही है हाई ही चल रही है। ये एक इंडिकेशन है कि इसकी वैल्यूएशंस अभी भी हाई हैं और इस स्टॉक में थोड़ी और प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो ये जरूर आपको नोट करके रख लेना चाहिए। वैल्यूएशंस अभी थोड़ी हाई ही दिख रही हैं एज़ कम्पेयर टू अदर पीयर्स और ROE परसेंटेज अभी इसकी बहुत ही लो है एज़ कम्पेयर टू अदर पीयर्स। तो फंडामेंटल्स आर नॉट पॉजिटिव, फंडामेंटल्स आर नॉट सपोर्टिंग द रैली फॉर दिस स्टॉक, ये तो आपको नोट करके रख ही लेना चाहिए। पहले भी इसकी जो 1 ईयर की परफॉर्मेंस है दैट इज़ बेस्ट इन द इंडस्ट्री, पहले ही इस स्टॉक में बहुत ही ज़्यादा रैली हो चुकी है, 388% की रैली हो चुकी है। तो अब इस स्टॉक में और भी बड़ा डाउनफॉल आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि वैल्यूएशंस आर नॉट सपोर्टिंग द फंडामेंटल्स। तो इसलिए आपको थोड़ा इस स्टॉक में अभी भी अलर्ट रहने की ज़रूरत है, अदरवाइज कंपनी डेब्ट फ्री है। आप देख सकते हो इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो टोटली ज़ीरो है, कोई भी डेब्ट इस कंपनी के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है, ये जरूर इसका एक प्लस पॉइंट दिख रहा है। तो अदरवाइज टेक्निकली भी आप इस स्टॉक में बेयरिश ट्रेंड देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, टेक्निकली इस स्टॉक में बेयरिश फेज जो है वो देखने को मिल रहा है। दूसरा, इस कंपनी का जो नेगेटिव पॉइंट है वो वैल्यूएशंस आर क्वाइट हाई नाउ एज कंपेयर टू अदर सेक्टर पीयर्स। तो अभी इस स्टॉक में थोड़ा सा आपको दूर रहने की हम राय देंगे। यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, पहले इसमें ले रखे हो माल, तो इसमें शिफ्ट कर सकते हो, अदरवाइज इससे आप दूर रहें। शॉर्ट टर्म की कोई भी पोजीशन बनाने से इस स्टॉक में बचें और यदि आप हाई पे लेके बैठे हो स्टॉप लॉस ज़रूर लगा के रखें और आप डिप्स में जब इसकी वैल्यूएशंस लो हो जाएंगी, थोड़ी और करेक्शन आ जाएगी 150 से लेके 60 तक, यदि ये स्टॉक स्टेबलाइज होता है, क्योंकि अभी पता नहीं है कब जाके स्टेबलाइज होगा, अभी तो डाउन ट्रेंड चल रहा है, 150 और 60 के बीच में भी जो है स्टेबलाइज हो सकता है, अदरवाइज इससे भी नीचे जा सकता है, 100 की ओर भी बढ़ सकता है, जैसे हमने आपको पहले ही बताया है। जब तक ये स्टॉक स्टेबलाइज नहीं होता है तो आप कोई भी पोजीशन, कोई भी इस स्टॉक में डिसीजन ना लें, कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन ना लें। तो यही हमारी आपको राय है, आप इसको डेली बेसिस पे चेक करते रहें, हम भी आपको वीडियोज़ बना के इन्फॉर्म करते रहेंगे। सो थैंक्स अगेन, वी विल बी मीटिंग यू विद अ न्यू वीडियो। अभी तक यदि आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हो, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स अगेन।